अंकल कहाँ अंकल? तो ये नमकीन की बाइक है, बहुत प्यारी लग रही है नमकीन। इस पे चल जाता हूँ, देखो बिल्कुल भी साइड नहीं छोड़ रहा है, डांस कर रहा है गाड़ी को हमारे सामने। दिल्ली में नमकीन व्लॉग की शूटिंग कर रही है भाई, एक नंबर लग रहा है कसम से। तो वहाँ से येलो येलो जाना, उसको करीब हम पहुँचने लगे तो नमकीन भी आ चुकी है। Assalamualaikum guys, once again welcome back to my YouTube channel Beastlands 19. I hope मेरे दोस्त जो है बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई कुछ डिफरेंट अंदाज में। तो एक छोटे मोटे किचन में अपनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम पता है क्या, रात के 8 बजे है। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में रात से ही यार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा काम जो है ना, हमें सब्जी पकानी है, तो एक बंदा काम पे लग चुका है, देख लो भाई। तो अब मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि इनके लिए खाना जो है ना वो तैयार करना है, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि मुझे कहाँ पे जाना था, तो काफी मजा आने वाला है। इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग को ना रात को ही शूट करते, और मैं अभी मूड में आया था, क्योंकि एक ब्लॉग तो पिछला वाला ब्लॉग ना बहुत सही चल रहा है यार, बहुत सही। तो इसलिए मैं रात को ही मूड में आया ब्लॉग शूट करने को। तो फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आप सबको मेरी नोटिफिकेशन जो है वो मिले। अपना लास्ट ब्लॉग है श्रीनगर सिटी में, कल से श्रीनगर सिटी को हम बाइक आने वाले हैं, तो हमें कहीं जाना है। आप सबको पता चल ही जाएगा कि मुझे कहाँ पे जाना था। फिलहाल मैं खाना वाना ना अच्छे से पका लेता हूँ भाई, और खाना खाते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप सबसे ना सुबह मुलाकात करते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं यहाँ से निकल पड़ा, तो अभी मुझे फ्लाईओवर के पास जाना है ना, वहाँ पे नमकीन वेट कर रही है, तो नमकीन को वहाँ से उठा लेते हैं, और उसके बाद हम पहुँचते हैं पहले अनंतनाग, और भी हमें बहुत सारी जगहों पे जाना है। तो फिलहाल मैं गलियों में घूम रहा हूँ, शॉर्टकट लेते हैं भाई, गूगल ना वहाँ से दिखा रहा था, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट है, ये रास्ता मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत बार अब यहाँ से आया हूँ ना, अब मुझे रास्ता याद भी रहा, तो मैं आराम से जा सकता हूँ भाई। तो राइट टर्न लेने के बाद मैं पहुँचूंगा बागात चौक, और से नमकीन को उठा लेते, और उसके बाद निकलते अपने सफर पे। भाई अभी मैं पहुँचा हूँ परेपुरा ट्यूशन हब। इससे पहले मैंने एक बार आपको दिखाया, तो आज यहाँ पे बहुत सारे कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी ना ट्यूशन में पढ़ रहे हो। अभी गली ढूंढ के ना जा रहा हूँ भाई, देख लो भाई क्या बैंड लग रहे हैं हैदरपुरा में यार। बस अपने साथ 5-6 बाइक होनी चाहिए ना, फिर हैदरपुरा में तबाही वाला राइड होता है। 11th में आया था ना यहाँ पे ट्यूशन श्रीनगर, तो मैं उस टाइम पढ़ रहा था होप क्लास में, तो स्टार ऑफ कश्मीर में मेरा रूम था, तो मैं वहाँ पे ना 3 महीने रहा हूँ स्टार ऑफ कश्मीर में। सिग्नल, लेकिन मुझे यहाँ की ओर टर्न लेनी है। अब थोड़ी सी जगह देखते हैं भाई, निकल जाते हैं गली ढूंढ के। नमकीन ना यहीं पे वेट कर रही होगी हैदरपुरा चौक में, उसने बोला मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ जहाँ से गाड़ी निकलती है। तो नमकीन भी आ चुकी है, सही है, और एक नंबर है ये भी बहुत सही है। तो नमकीन को हमने बिठा लिया, और यहाँ से अपना सफर ना शुरू होता है, पहलगाम भी जाना होगा। एक नंबर, एक नंबर, तुम्हारे कपड़े ना बिल्कुल एक नंबर लग रहे हैं। हम लोग नेशनल हाईवे पे आए, तो यहाँ से ना नमकीन को अपना व्लॉग शूट करना है, और यहाँ पे देखो यार फील्ड्स में कितना सारा पानी है, पानी ना धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। अभी आराम आराम से बिल्कुल, मेरी स्पीड 20 है, 20 स्पीड में चला रहा हूँ अपनी बाइक को। और पहाड़ देखो भाई, पहाड़ को ना नीचे से खत्म किया इन लोगों ने, तो अगर इसको अपनी शेप होती ना भाई ये बिल्कुल एक नंबर लगता, लेकिन अपनी शेप में इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको सताया गया है यार। तो बस आज भी आर्मी कानवाई नहीं होना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर खजल भी होना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी कानवाई के पीछे पीछे फिर चलना पड़ता है। तो यहाँ से नमकीन को अपना व्लॉग शूट करना है भाई साहब, तो ये अपना व्लॉग शूट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इसने अभी फेस कैम जो है ना वो नहीं लिया, तो ये फेस कैम अच्छे से लिया, तो मैंने कल रात को ही फेस कैम लिया था, तो इसने फेस कैम जो अच्छे से लिया, तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो फिलहाल मुझे मोबाइल होल्डर में अपने फ़ोन को फिट करना है, कभी कॉल वॉल आती है ना फिर पता ही नहीं चलता यार, यहाँ पर अच्छे से पता चलता है। तो अपनी बाइक में पेट्रोल भी खत्म होने लगा है, मैं चाहता हूँ पहले पेट्रोल पम्प जाए, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया पम्प पे, फिर मुफ्त का पेट्रोल मुझे नमकीन डालेगी, तो नमकीन को भी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, मैं रोज रोज यहाँ से आऊंगा। फिर ना पांपर में होने वाली है, आप सबको पता है जब मैं श्रीनगर आता है जाता हूँ तो पांपर में जरूर रुकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा पुलिस वाले मुझे रोक रहे हैं यार, अपने को पुलिस वाले रोक रहे हैं, लेकिन गाड़ी एक ना वो गलत आई थी, तो उसी को उन लोगों ने बोला वापस जाने के लिए। तो यहाँ से ना आपको बहुत बहुत बड़े फील्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कि सैफरान के फील्ड्स है, तिल गागुल, इस चीज को ना कश्मीरी में तिल गागुल बोलते हैं, जो आप येलो येलो देख रहे हो, हाँ इसको तेल निकलता है, मशीन में डालना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं नमकीन व्लॉग की शूटिंग कर रही है भाई, एक नंबर लग रहा है कसम से। तो वहाँ से येलो येलो जाना, उसको करीब हम पहुँचने लगे ना, मुझे फील हो रही है भाई बहुत प्यारी स्मेल आ रही है, और इसको तेल निकलता है। नमकीन यहाँ पे ना टहल रही है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत सही चल रही है भाई, तो नमकीन का स्नैप भी बनाना होता है, क्योंकि ये स्नैप भी ना बहुत ज़्यादा यूज़ करती है लड़की। टोंडे मिले जो कि फोटोशूट कर रहे हैं यार, तो यहाँ पे ना नमकीन ने बाइक पे कब्जा मारा है, जो कि फोटोशूट कर रही है, तो 250 से नीचे नहीं आ रही यार, कब्जा मारा इस बाइक पे इसने,
सो यहाँ पे ना कुछ अपने दोस्त मिले थे, इनको मेरे साथ वापस आना है जो अल्टो में है, तो ड्यूक 250 जो इसको वापस श्रीनगर जाना है, निकलते हैं। तो मैं इनका वेट आगे करूंगा, वीडियो थोड़े से बना ले इंस्टाग्राम के लिए। तो मेरे इंस्टा नाम अचानक से छोड़ दिया, मैं इंस्टा पे ज्यादा रील्स वील्स अपलोड नहीं करता, सारा फोकस ना यूट्यूब पे आ चुका है भाई, तो इसलिए इंस्टा पे कभी कभी पिक्स अपलोड करते हो और स्टोरी टोरी डाल। अभी तक आप लोगों ने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया भाई, जाके लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो गाइस यहाँ से हम निकल रहे, तो आज हमने चाय नहीं पी क्योंकि यार आज धूप ना एक नंबर हो रखी, तो चाय से ना फिर दिक्कत आ जाती यार, और गर्मी पैदा होती तो ठंड में चाय मजा आता था। तो आज हमने कोल्ड ड्रिंक वोल्ड अच्छे से पी लिया अंदर, तो मेरे दो दोस्त भी आए थे, तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये बंदे गाड़ी में बैठेंगे, हम दोनों बाइक पे बैठने वाले, चलो निकलते हैं यहाँ से। आगे से ना नमकीन को व्लॉग कंटिन्यू करना है, तो सारा सेटअप ना नमकीन को देना है क्योंकि अपने पास फिलहाल एक ही सेटअप है, इंशाल्लाह जब तक दूसरा सेटअप आता है तब तक नमकीन ना मेरा सेटअप यूज कर रही है। अभी ना हमें 31 किलोमीटर जो है वो कवर करने हैं, तो हम लोग अनंतनाग पहुंच जाएंगे और रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि उतना प्यारा व्यू। भाई साहब आपकी गाड़ी ना बिल्कुल एक नंबर लग रही है, एक नंबर अलॉय से, तो ऐसा लग रहा है ना ग्राउंड पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गई है, ये रोड के साथ चल रही है भाई, उतनी डाउन होके राइड करने वाली है, तो इसका पूरा सेटअप देना पड़ेगा। फिलहाल मैं बाइक से उतर जाता हूँ। तो गाइस नमकीन ने भी अपना व्लॉग शूट किया, तो यहाँ से मैं फिर से अपनी बाइक पे वापस आ जाता हूँ और आ गया टूल प्लाजा, टूल प्लाजा को क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपने घर वही पहुँच जाऊँगा। कश्मीर को छोड़ने वाले या हम कश्मीर में अभी स्टे करेंगे फिलहाल के लिए, तो ये आपको एक दो व्लॉग्स के बाद पता चलेगा। क्या साइड दे यार, साइड दे, देख लो भाई बंदा क्या कर जाता हूँ, देखो बिल्कुल भी साइड नहीं छोड़ रहा है, डांस कर रहा है गाड़ी को हमारे सामने, फिर से करने वाला है भाई, देख लो यार हमें साइड दे दे बाबा, हमें निकलना है यार। हरनाक पहुंचने लगे हैं, तो ये हरनाक का ब्रिज है ठीक है, इसके आगे हरनाक आएगा, तो मुझे अपनी बाइक में थोड़ी सी नज़र भी देनी थी क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो बाइक को ठीक करवाते और ये जगह ना नमकीन को भी दिखानी है क्योंकि नमकीन जब बाइक लाएगी ना तो इसकी बाइक रोज़ ख़राब होनी है, फिर ये यहीं पर आएगी ठीक है, इसको भी ये जगह दिखा के रखते हैं। तो जब 90+ चलते हैं तो बाइक ना थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, तो रेसर सेट में अब दिक्कत है, उस गया नहीं लग रहा था तो वो चीज़ भी हमने ठीक की। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और सर्विस मैंने इसकी करवाई है, तो इसको कम ही दिन हुए मेरे ख्याल से 10 दिन, तो 10 दिन पहले मैंने इसकी सर्विस करवाई थी, तो अब सर्विस की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑयल वॉयल जो है ना वो बराबर है सारा कुछ, देख लो भाई ऑयल बराबर है, अभी हेड में ऑयल होगा क्योंकि बाइक ना चल रही थी अभी तक। तो ये नमकीन की बाइक है, बहुत प्यारी लग रही है नमकीन इस पर, तो इस पर सीट वीट जो है ना सारा कुछ नया लगाया हुआ, टैंक और भी नया है। नमकीन कितने में लाया इसको? 1 करोड़ की बाइक है ठीक है, देख लो कितनी प्यारी बाइक है। फिलहाल अपनी बाइक में ना हम चेन लूप करते और उसकी चेन वेन जो अच्छे से साफ़ करते, तो मैंने इसको चेन सेट जो है नया डाला था, तो उसके बाद मैंने इसको कभी लूप दिया नहीं, सोचा आज देते और बाइक में हो गया चेन लूप और ग्लव्स भी फट गए, देखो कितना गरीब बन गया हूँ मैं, जो ग्लव्स लाता हूँ ना भाई वो फट जाते, तो नमकीन के सर में चक्कर आ रहे हैं। हम लोग पहुँचने लगे अनंतनाग स्टेडियम, तो नमकीन को यहीं पे छोड़ना होगा क्योंकि नमकीन को जाना है पुफी के घर, इनको छोड़ लेते हैं इस स्टॉप पे और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ वापस। हो गया टेक केयर, तो नमकीन को यहाँ पे छोड़ लेते, इसका फ़ोन है यहाँ पे, फ़ोन उठा और डेटा केबल ले जा अपने साथ, और मैं अपना फ़ोन लेता हूँ, तो मैं भी चार्ज लगा, हाँ डेटा केबल इसके हाथ में थी और ऊपर से मुझे बोल रही कि फ़ोन चार्जिंग पे लगा कि नहीं, रुक कैसे चार्ज लगा, मुझे क्या पता, मुझे लगा डेटा केबल कनेक्ट है यार, तो कैसे हाथ में भी कनेक्ट होती है, तुमने बोला नहीं है कि मैंने डेटा केबल को भी लगाया नहीं। बाय 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 टेक केयर। तो बाइक में गैस कट यार ख़त्म हो गया है, जब ब्रेक देते हैं ना बाइक बिल्कुल वाइब्रेट कर रही है यार, देखो जब ब्रेक देते हैं तो हैंडल थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है। फिलहाल यहाँ पे सभी बंदे कट ले रहे हैं, जहाँ से गली मिले भाई घुस जाते हैं, इसलिए को भी थोड़ी सी जगह दे तो भाई हम भी निकल जाते हैं, एक छोटी मोटी सी गली ढूंढूंगा तो वहीं से निकल जाते हैं, गलियों में राइड करने का अलग ही मज़ा है ठीक है। तो मैं कभी कभी यहाँ पर लस्सी पीता हूँ और यहाँ पर मुझे मज़ा आता है लस्सी पीने में, धूप में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है ठीक है, बैड लक वहाँ पे है ही नहीं, बहुत ज्यादा मूड था बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी किस्मत खराब है भाई लस्सी मिली नहीं। अंकल कहाँ अंकल, इसने अचानक से गंदा टर्न लिया यार, लेकिन इसको मैंने सबक सिखाया, इसको पता था आगे से बाइक आ रही है पीछे से गाड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी बंदे ने ओवरटेक किया, लेकिन अब मैंने वापस ओवरटेक किया। तो आगे मेरा फेवरेट स्पॉट जहाँ पे लीन ना एक नंबर होता है भाई, मैं आपको लीन करके दिखाता हूँ यहाँ पे ना कितना प्यारा लीन होता है, यहाँ पे लीन बहुत सही होता है देख लो भाई, वाव ये जगह बनी लीन के लिए है, और फिर यहाँ से डाउन करके बहुत सही। गाइस आज के व्लॉग को ना यही पे एंड कर लेते हैं, आपको वीडियो जो है वो पसंद आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय।